हरे कृष्ण एवरीवन, ये जो वीडियो है ये एक मैसेज है जो कि उन सब डिवोटीज के लिए, भक्तों के लिए जो ट्रेंड के चलते भगवान को टॉय बना देते हैं। किसी को कोई पर्सनल टारगेट नहीं है, केवल एक क्वेश्चन है सबसे, भाव आपका अगर इतना अच्छा है, भगवान के प्रति आप इतने सच्चे हैं कि आपको भगवान को देख के रोना ही आ जा रहा है, इतने अच्छे भाव हैं आपके, तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो आप एक रील के लिए भगवान को यहाँ खड़ा कर देते हो और उनके सामने रो रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो आपने ट्रेंड बना रखा है ना, जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका आपकी ऐसी रील्स को देख के, आपकी ऐसी वीडियोस को देख कर, वो भी ऐसी ही हरकत करते हैं, भगवान को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। कृष्णा इज नॉट टॉय, श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान है वो, उस भगवान को आप टॉय की तरह यूज कर रहे हो, गंदे हाथों से उठा लिया, एक वीडियो के लिए यहाँ बिठा लिया, एक वीडियो के लिए वहाँ बिठा लिया, एक हाथ से पकड़ लिया, मतलब कभी आपने खुद अपनी रील्स देखी है कि आप कर क्या रहे हो? दिस इज सो स्टूपिड, सॉरी मुझे ये नहीं कहना था, लेकिन आप खुद ही बताओ ना कि आपके सामने फ़ोन है, उसमें वीडियो बन रहा है, मुझे पता है अभी मेरे सामने फ़ोन है और वीडियो बन रहा है, मैं नहीं रो सकती क्योंकि मुझे पता है मैं केवल केशव के सामने रोऊंगी, मैं केवल माधव के सामने रोऊंगी, मैं कैमरे के सामने नहीं रो सकती। मेरे घर में भी लड्डू गोपाल हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ऐसे ट्रीट नहीं किया। मेरे भाव उनके लिए हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो भगवान है। आप ही बताओ कि आपके सामने वीडियो चल रहा है, आपके सामने आप भगवान हैं, आप भगवान को देख के रो रहे हो, सामने रिकॉर्डिंग चल रही है, आपने तो फिल्म बना दिया, एक कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर है कोई? अगर आपकी भक्ति इतनी अच्छी है, आप अपने आप को डिवोटी समझ रहे हो, आप अपने आप को भक्त समझ रहे हो, तो आप ऐसी हरकतें नहीं करोगे जिससे सामने वाले को गलत शिक्षा मिले। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। आपके घर में मंदिर है, आप वहां रोइए भगवान के सामने। मैं आपको बता देती हूँ, भगवान इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, ये सब नहीं देखते। तो उनसे अगर बात करनी है ना, भगवान से बात करनी है ना, तो एकांत में करनी होती है। एकांत मतलब अकेले में करनी होती है। अगर आप अपने घर पे लड्डू गोपाल को अपने सामने इधर रखो और उनसे बात करो बिना वीडियो बनाए, तो शायद भगवान आपकी सुने भी। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कि आप भगवान को एज अ टॉय यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मेरे घर में भी माधव है, लेकिन मैंने कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया। मैं बस उन्हीं लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर आप अपने आप को इतना अच्छा भक्त कहते हो, तो ये क्या ये सही है? देखो मैं तो भक्त नहीं हूँ, क्योंकि हम भक्त का दर्जा भी नहीं रखते, दास हैं, चाकरी कर रहे हैं, वही करते रहेंगे। लेकिन आप सबसे ज़रूर पूछ रही हूँ मैं, जो ये मैंने कहा वो गलत है क्या? अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब आपके मन में इतना प्रेम आ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, तब आप भागवत प्रचार करते हैं, तब आप भगवान के बारे में बताना शुरू करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जितना मैं जाना हूँ, जितना मैं कृष्ण के बारे में जानती हूँ, तो आगे वाला भी जाने। मेरी लाइफ में ये इश्यूज़ ख़त्म हुए हैं, ये इश्यूज़ ख़त्म हुए हैं भगवान का नाम लेने से, तो सामने वाला भी क्यों ना उससे सुने। इसे भागवत प्रचार कहते हैं। तो उसमें अगर आप लड्डू गोपाल को ऐसे ट्रीट करोगे, तो ये कोई भागवत प्रचार नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, मैं आपके भाव पे बिल्कुल टारगेट नहीं कर रही हूँ, भगवान भाव का अधीन है, सब जानते हैं, लेकिन एक रील के लिए, कुछ चंद फॉलोअर्स लाइक्स के लिए आप भगवान को टॉय मत बनाइए प्लीज़। भगवान है श्री कृष्ण।
जितनी जल्दी ये सब जान जाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप ट्रेंड में तो भगवान भी नहीं बख्शे गए हैं। किसी के पास बड़े लड्डू गोपाल हैं तो देखा देखी में दूसरा भी बड़े लड्डू गोपाल ले आएगा। जो घर में छोटे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उनकी कोई सेवा नहीं करेगा। ये है ट्रेंड, तो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल वृंदावन जाते हैं लोग, लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं, भाव के अधीन होकर लेके जाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप भगवान को झूठे हाथों से छू रहे हो, कहीं पे भी रख रहे हो, भगवान को कहीं पे भी रख दे रहे हो, आप भूल जा रहे हो, भगवान को भूल गए आप, भगवान को आपने खिलौना बना दिया। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं बनाना नहीं चाहती थी, मैंने सोचा था कि मैं रील भी बनाऊंगी इस पर इतना लंबा एक मैसेज देना मुझे लगा वो रील के लिए सही नहीं रहता, तो मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो बना दिया। आई होप आप ये बात सब समझें कि मैंने क्यों कहा है। मैं किसी को कोई पर्सनल टारगेट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ये बात बुरी लग रही है तो शायद आपने ऐसा कुछ किया होगा जिससे आपको ये बात बुरी लग रही है। मुझे ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, ये ज़रूर बुरा लगता है मेरे को कि आप भगवान को टॉय की तरह यूज़ कर रहे हो। मैं भी रोती हूँ, बट कैमरे के सामने नहीं, सॉरी मैं कैमरे के सामने नहीं रोती, मैं रोती हूँ भगवान के सामने रोती हूँ, भगवान को देख कर रोती हूँ। कैमरा अगर मुझे शूट कर रहा है और मुझे पता है कि कैमरा सामने है तो मैं अपने फेक आंसू नहीं दिखा सकती, सॉरी। मैं केवल भगवान के सामने रोना प्रेफर करती हूँ, दुनिया वालों के सामने नहीं। तो आप अगर आपको लग रहा है आप ये सही कर रहे हो तो हरे कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये मैसेज सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नहीं हुआ है वो सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगे कि ये मैसेज औरों को भी मिलना चाहिए तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, उन सबको बताएं कि आपको भगवान को कैसे ट्रीट करना चाहिए। हरे कृष्ण।